हजार का, कभी 500 का, नोट सारे नोट्स और है मेरी मेहरबानी थैंक्स अंगूठी अज जी वीडियो बहुत घैंट होने वाली है। अज की वीडियो के आप देखना है सुहेल अहमद साहब का इंटरव्यू एज मीरा। तो एक आप जी वीडियो की गल करते होंगे सी वेटर न बुलाते हैं गिमी द मैथमैटिक्स वो वाली फुल वीडियो और छोटी जी क्लिप आप देखी सी फुल वीडियो है। इंटरव्यू देखते हैं सारे जने कह रहे थे कि भाजी सुहेल अहमद साहब का इंटरव्यू देखो जो फिफ्थ कार ठाकुर का भाजी का जो इंटरव्यू देखा उस तो बाद कहते सारे जने इन्हों का भी देखो इंटरव्यू तो आप अज इस इंटरव्यू के रिएक्शन बनाने देखते हैं जानते हैं सुनते हैं विचारते हैं तो थोड़े नाल इंजॉय करते हैं। हमने कर लो चैनल सबसक्राइब तो करते हैं वीडियो फिर शुरू जी साहब। सर आज हमें सियासी फिल्म दिखाने लगे हैं। सियासी नहीं फीचर फिल्म। ओह सॉरी फीचर फिल्म किसकी उठा लाए हो? आज की फीचर फिल्म में बल्कि फर्नीचर फिल्म कहें इसे इसमें आपको दिखाया जाएगा एक सहाफी फिल्म स्टार मीरा का इंटरव्यू लेते हुए। अच्छा डो हेलो मिस मीरा वेलकम टू शो नो वन शो नॉट वेलकम टू शो वेलकम वन शो क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक शो की बात हुई। ये आप ही बैठे हैं ना? आप जो भी कहें हमें मंजूर है क्योंकि आपकी आवाज में एक सुरूर है आवाज में इस कदर खुमारी है लगता है गले में फिट कोई गरारी है माशाल्लाह आवाज के साथ हाथ भी खासा भारी है इसलिए फासले से ही इंटरव्यू करने में समझदारी है। ऑफ कोर्स मेरी आवाज में जज्बात है मेरी आवाज सबसे यूनिक है वरना बाकी सब हीरोइनों की आवाज निरी चीक है बल्कि आवाज नहीं सिर्फ फटीक है। सही कहा मीरा जानी जो दी वीडियो शुरू हुई है जेडी लेडी बैठी है मुझे नॉन स्टॉप हंस रही है कोल बैठे में हंसा आई जांदा है कोई ना हंसा सुन के वैसे ही हंसा आई जांदा ये एंटी कोयल आवाज है ही इतनी सुहानी बस एक दफा अबे चू थोड़े अंगू हो रहेगा दिल भी तो जो बहुत हसदी होती है ना तो आवाजा ही पता कि निकल दी चलो ठीक है मेरे को तो कोई हंसने वाली तेरी मेहरबानी ओह थैंक्स बस मैं हर वर्ड पे फोक्सी करती हूँ फिर उसमें जज्बात भरती हूँ फोक्सी नहीं फोकस व्हाट यू तुम्हें क्या फॉक्सी मेरे एक मोहल्लेदार के पास है मीरा बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई लगता है फिर टूट गई सगाई कौन नहीं माना उसका अब्बा या वड्डी ताई उसका बाप मेरे लिए वापडा साबित हुआ जिंदगी तारीख कर दी मेरी आपको नहीं अंदाजा हाउ मच गच क्लाइम्ड मी ओहो गुस्से को अंग्रेजी में कहते हैं बाउंड्री हो गई हद हो गई कौन इतनी इंग्लिश तो सीख लो आप लोग मुझे देखो अंग्रेजी की सीडी आती है जी सीडी आपका मतलब एबीसी आती है नो सीडी आती है अंग्रेजी गानों की मैं उसे लगा के घर में बौकर मारती हूँ इतनी बड़ी स्टार और बौकर मारती है यस जो मुझे तंग करे ना उसे रख के बौकर मारती आपने कभी ये नहीं बताया आप कितना पढ़ी लिखी है मैं बहुत रीडी राइटी हूँ पढ़ी लिखी आप सोच नहीं सकते जितनी मैंने बुक्स और नोट्स पढ़े हैं यस जब भी मैं चेकबुक लेके आती हूँ सारी पढ़ती हूँ और नोट्स भी कभी हजार का कभी 5,000 का कभी 500 का सारे नोट्स पढ़ती हूँ मेरा मतलब था किस क्लास तक पढ़ी है जी मैं
अपर क्लास तक। ओहो, मेरा मतलब था FA BA MA करने का क्या फायदा जब यही ना पता चले कि खरबूजा केड़ा मीठा थे केड़ा फीका। इसलिए ना मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ और ना ही इन चीजों की शॉपिंग करती। खरबूजा केड़ा मीठा थे केड़ा फीका। आपकी इंग्लिश बहुत मुश्किल है। पता नहीं आप मीडिया वालों को क्यों लगता है कि मैं मुश्किल इंग्लिश और मुश्किल से इंग्लिश बोलती हूँ। आपसे अच्छे तो होटल के डेफ हैं। डेफ बहरे। एक तो अंग्रेजी का तर्जमा भी मुझे खुद ही करना पड़ता। अभी मैं सुबह डिनर करने गई। सुबह डिनर करने गई। सुबह डिनर करने गई। आपको क्या तकलीफ है? स्टार्स को जब टाइम मिले वो कर लेते हैं डिनर। सुबह मैं डिनर करने गई होटल में तो मैंने पूछा व्हाट इज, यानी क्या क्या है। तो उसने यानी डेफ ने बताया ऑल सम इज, सब कुछ है। मैंने कहा हेड फुट इज, सिर्फ है। अच्छा। उसने कहा इज। मैंने कहा फिर लिया मेरा मुंह की बेखंडी। जब मैंने वन प्लेट खा ली तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा एंड इज, एंड इज और है, और है। आगे से कहते हैं नो फिनिश। फिर मैंने कहा ब्रिंग वन ओपन माइंडेड बोतल। टकन खोल के बोतल ले आ। वो ले आया। मैंने इतने सुकून से कैंडल लाइट डिनर किया। सनलाइट वाज कमिंग, गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग, प्यारा एटमॉस्फेयर था होटल का। सॉन्ग वाज वॉकिंग, गाना चल रहा था। डेफ ने फिर आके मुझसे पूछा मैडम एंड सम और कुछ। आई सेड नो हैंडसम, गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स साहब ले क्या? मैं की खाद है। मैनु नहीं याद रहा मैं की खाद है। ना मैनु ये याद रहा मैं की खाद है, ना मैनु ये याद रहा कि किदा किदा खाद है। वो जब मैथमेटिक्स लेके आया तो मैंने उसे 100 रुपी टिप दे दिया। वाओ। मैंने कहा गो एंड किल द वेव्स, किल द वेव्स, जा के मौजा मार। अंग्रेजी पैरा ही समझ सकता। डोंट डू टिच कर, कीप योर वर्क विद वर्क। अपने काम से काम रखे सर। आप इन्हें छोड़ें, ये बताएं कि मंगनी टूटने की वजह क्या हुई। वजह क्या होनी थी? बस मिसेस थंब गुम गई। मिसेस थंब बॉब जाहिला थंब अंगूठा, मिसेस थंब अंगूठी। बस एक मिसेस थंब के पीछे उन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी। देन आई बिकेम स्ट्रेट विद देम। सिद्धि हो गई। मैंने कहा व्हाट इज योर टाइमिंग, तुम्हारी औकात क्या है? मुझ पर कीचड़ जंपिंग कर रहे हो। बिग लिविंग नॉट। बिग लिविंग नॉट क्या है? बड़ा रहंदा नहीं। यानी की कदर रहंदे पीछे करके रहंदे सुनदे। बिग नॉट, बिग लिविंग, बिग लिविंग नॉट, बिग लिविंग नॉट क्या है? बड़ा रहंदा नहीं। यानी अब फिर से आप रिश्ते की तलाश में हैं। यस, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। और कोई मुझे स्नो विंडो देखने का शौक नहीं। स्नो विंडो, बर्फबारी, बर्फबारी। मतलब इन्हें सुहेल अहमद का यार ताई इन्हें भी नहीं कह देंगे कि यह कॉमेडी किंग है ना। तो मजेदार सी ना, किन्ना टैलेंट भरिया उन्होंने। तो जिहड़ा इदां दा करैक्टर उन्होंने मेरे ख्याल कदे ड्रामा च नहीं प्ले किया ना, कदे भी वह लेडी नहीं बने। हाँ जी। बाकी शायद सानू नहीं पता, पर जिन्ने के असीं देख चुके हैं सानू तां कदे नहीं पता लगा। नहीं, बहुत वधिया सच, मतलब इह वी यूनिक लगी है ना, वक्री चीज़ है। जिवें आपां उन्हां दी कहिंदे ना वी यूनिक चीज़ है, यूनिक वीडियोस बनाउंदे आ। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हां दी इह वी यूनिक बनाउंदे आ। हाँ, कौन भला मतलब इन्हों जी इन्हों की कॉमेडी सी ना वाली, इदा की कॉमेडी मैं अज तक नहीं सुनी।
ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੂਗੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਜੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਈਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।